आरजेसी न्यूज हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। अमेठी के शुक्ल बाजार थाना अंतर्गत मऊद्दीनपुर निवासी पूर्व प्रधान भाजपा नेता छोटू सिंह भदौरिया पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें छोटू सिंह बाल बाल बच गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छोटू सिंह भदौरिया सुबह 10 बजे किसी काम से विशंबर पट्टी ग्राम से वापस आ रहे थे, तभी गौगंज के पास पहले से एक स्वायर डिजायर गाड़ी छोटू सिंह के कार के पीछा कर रही थी कि पीछे से संदिग्ध गाड़ी देखकर छोटू सिंह भटमऊ ग्राम को मोड़ दिया। तभी पीछे लगी गाड़ी काफी तेज रफ्तार से शुक्ल बाजार की और चली गई। उसी के थोड़ी देर बाद जब वे वापस आए तो पारा मोड़ पर एक काली सफारी ने पीछा करके छोटू सिंह भदौरिया के ऊपर फायर शुरू कर दिया और वो गाड़ी में झुककर गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी। किसी तरह मेरी जान बची। पहले से जेल में बंद विक्रम सिंह उर्फ विक्की कैमा ग्राम थाना जगदीशपुर अमेठी का निवासी ने जेल से फोन पे धमकी दी थी, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेस में काम को लेकर तनाव चल रहा था, इसलिए ऐसी घटना का अंजाम दिया और छोटू सिंह भदौरिया की जान का खतरा है। थाने पर एप्लीकेशन दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। छोटू सिंह नरेंद्र मोदी विचार मंच के विधानसभा सचिव भी हैं। योगी सरकार में उन्हीं के कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है कि जेल में बंद विक्रम सिंह उर्फ विक्की को फोन की सुविधा कहां से प्राप्त हुई। विगत कुछ वर्षों पहले ददन सिंह हत्याकांड के चर्चित आरोपी विक्रम सिंह उर्फ विक्की अभी कुछ ही माह पहले पुरुषोत्तम हत्याकांड का मास्टरमाइंड विक्रम सिंह उर्फ विक्की अपने गुंडों के माध्यम से लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा था, लेकिन शासन प्रशासन अपराध को रोक पाने में पूर्ण रूप से असफल दिखाई दे रहा है। योगी सरकार अपराध रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई, लेकिन अपराध थमने का नाम ही नहीं दे रहा। अमेठी में कई भाजपा नेताओं के ऊपर लगातार घटनाएं हो रही हैं। शासन प्रशासन पूरी तरह से मौन है। क्या शासन प्रशासन को और बड़ी घटना का इंतजार है? ये शासन प्रशासन कार्रवाई करने से कतराते हैं। आखिर क्या है समस्या कि अपराध रोक पाने में प्रशासन पूर्ण रूप से असफल दिखाई दे रहा है? लगातार घटना प्रशासन के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। मेरा नाम छोटू सिंह भदौरिया है और मैं पूर्व प्रधान मोदीपुर छोटू सिंह और घटना जो है देख करके मेरे को क्या दो गोली की आवाज़ सुना। मैं हसनपुर की तरफ गांव की तरफ एक रास्ता सोच मिला, मैं भाग के बच गया, नहीं तो आज मुझे जान से पूरा मार देने की प्लान था। और जो विक्की सिंह कैमा को जो है उसके पर दो बार धमकियां दी गई, मैं उसको के ऐसे जवानी बता के संज्ञान में दे के मैंने इस मामले को छोड़ दिया। किसी माफियाओं से मुझे दुश्मनी क्या ज़रूरत लेने की है, वो धीरे धीरे बात भूल जाएंगे। लेकिन आज जो घटना घटी तो मैं प्रशासन के सामने आया, अपना तहरीर दिया और मोदी विचार मंच का मैं विधानसभा सचिव हूँ और मेरी पत्नी मंडल अध्यक्ष है और मैं घर में तो बैठ नहीं पाऊँगा, इसलिए मुझे प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि जो जेल में बंद हो माफियागिरी कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, इनके खिलाफ़ कार्रवाई हो और जो मेरे साथ घटना पे मेरे पर हमला किया है उसको पकड़ा जाए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यही मैं शुक्ल बाजार थाने से व प्रशासन से उम्मीद कर रहा हूँ।